गुजरात चुनाव में पीएम मोदी और राहुल गांधी के बाद अगर किसी के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है पाटीदार नेता हार्दिक पटेल। जी हाँ, वैसे तो हार्दिक पटेल गुजरात की सियासत में उलटफेर करने का मादा रखते हैं, मगर हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है कि लोग अब हार्दिक पटेल को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल कर रहे हैं और उन्हें ट्वीट चोर बुला रहे हैं। अब ऐसा क्या हो गया कि हार्दिक पर ट्वीट चोरी का आरोप लगने लगा है, तो ये हम आपको बताते हैं। दरअसल 7 नवंबर की शाम नोटबंदी की वर्षगांठ पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, अर्थव्यवस्था की बदहाली, कारोबार उद्योग की बर्बादी व देशव्यापी बेरोजगारी में नोटबंदी का जश्न दुखद है। ये नोटबंदी का एक बरस नहीं बरसी है। अब अखिलेश के इसी ट्वीट के कुछ घंटों के बाद ही हार्दिक पटेल ने उनके ट्वीट की कॉपी करके अपने ट्विटर पर पोस्ट कर दिया। आप भी देखिए दोनों के ट्वीट्स। इन दोनों ट्वीट्स में एक भी शब्द का बदलाव नहीं है। हार्दिक ने अखिलेश यादव का सेम टू सेम ट्वीट अपने अकाउंट पर डाल दिया। फिर क्या, इसके बाद ही कुछ यूजर्स ने उनकी चोरी पकड़ ली और कुछ ने उन्हें ट्वीट चोर तक कह दिया। वहीं कुछ लोगों ने उनकी खूब खिल्ली उड़ाई। अब ऐसा क्यों लग रहा है कि ये स्टेटस अखिलेश के ट्विटर से कॉपी किया हुआ है, क्योंकि ऐसा तो संभव नहीं हो सकता कि दो नेता एक ही जैसा ट्वीट एक ही मौके पर करें। चूंकि अखिलेश ने पहले ट्वीट किया, इसलिए साफ है कि हार्दिक पटेल ने अखिलेश यादव का ट्वीट कॉपी किया है। आपको बता दें कि आज तक हार्दिक पटेल और अखिलेश यादव की मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन अब एक ट्वीट के जरिए हार्दिक पटेल के साथ साथ अखिलेश का नाम भी चर्चा में आ गया है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।